फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले मेरे सारे जो ऑनलाइन जो हमारी ब्रिजनारी फैमिली के भाई बहन हैं, उन सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। दोस्तों, रक्षाबंधन फाइनली आ गया है। सोमवार के दिन है और अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए हर बहन और भाई दोनों इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा को ये पर्व मनाया जाता है और इस पर्व को मनाने के पीछे बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, जिसमें सबसे प्रथम गणेश जी की पुत्री संतोषी माता की कहानी आती है, जिसमें शुभ लाभ उनके जो पुत्र थे उनको बांधने के लिए उन्होंने संतोषी माता को बुलवा करके राखी बंधवाई थी। दोस्तों, यदि इसकी शुरुआत के बारे में देखें तो ये भाई बहन का त्यौहार नहीं बल्कि विजय प्राप्ति के लिए किया गया रक्षाबंधन है। भविष्य पुराण के अनुसार जो कथा मिलती है वो इस प्रकार है कि बहुत समय पहले की बात है, देवताओं और असुरों में जब युद्ध छिड़ा, 12 साल तक चला और असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके देवराज इंद्र के सिंहासन सहित तीनों लोकों को जीत लिया। तब इसके बाद इंद्र देवताओं के गुरु गृह बृहस्पति के पास गए और सलाह मांगी। बृहस्पति ने इन्हें मंत्र उच्चारण के साथ रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन गुरु बृहस्पति ने रक्षा विधान संस्कार आरंभ किया। इस रक्षा विधान के दौरान मंत्र उच्चारण से रक्षा पोटली को मजबूत किया और पूजा के बाद इस पोटली को देवराज इंद्र की पत्नी शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, उन्हें दे दी। उनके दाहिने हाथ पर बांधा। उसकी इस ताकत से ही देवराज इंद्र असुरों को हराने और अपने खोया हुआ राज्य वापस पाने में कामयाब हुए। दोस्तों, आज के दिन में त्योहार बहन भाई के प्यार का पर्याय बन चुका है और कहा जाता है कि ये भाई बहन के पवित्र रिश्ते को गहरा देने वाला पर्व है। एक ओर जहां भाई बहन के प्रति अपना दायित्व निभाने का वचन बहन को देता है, तो दूसरी ओर बहन भी भाई की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। इस दिन भाई की कलाई पर जो राखी बांधी जाती है, सिर्फ रेशम की डोर या धागा नहीं होते हैं दोस्तों, बल्कि बहन भाई का अटूट प्रेम होता है और रक्षा पोटली जैसे शक्ति भी उस साधारण से नजर आने वाले धागे में निहित होती है। दोस्तों, इस बार आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 2-3 घंटे बंधेगी राखी, इसलिए क्योंकि ग्रहण है, भद्रा है, सारे मुहूर्त हमें ध्यान देने हैं। और आप अगर चाहें तो पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है आपकी 6 अगस्त से 22:28 यानी रात्रि को, और पूर्णिमा तिथि 7 अगस्त को रात में समाप्त होगी 23:40 पे। दोस्तों, भद्रा आपकी समाप्त होगी 7 तारीख को सुबह 11:04 पे। मैंने दूसरी वीडियो दी है, एग्जैक्ट टाइमिंग सारे उसमें बताए गए हैं, इसलिए आपको अगर राखी बांधनी है तो आप 11:02 दोपहर के समय 11:02 से लेकर के दोपहर को 1:52 के पहले पहले बांध लें, उसके बाद आपको छूतक लग जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, रक्षाबंधन का पर्व इस बात का सबूत है कि आज भी रिश्तों में विश्वास, सम्मान और मिठास है, और कुछ टोटके होते हैं जो आजमाए जाते हैं दोस्तों, वो अगर आप इस दिन कर लेंगे तो माना जाता है कि बहुत ही सक्सेस आपके लाइफ में आ जाती है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों की कुंडली में स्पेशली शनि नीच या शत्रु राशि में है या खराब स्थान पर बैठा है, उन लोगों को काले पत्थर के एक चकोर टुकड़ा पर आपको उस दिन शनि यंत्र खड़िया से बना करके अपने ऊपर से 8 बार उतार करके कुएं में फेंक देना है। फिर कभी उस कुएं का ध्यान रखें, आपको जल नहीं पीना है। इसके अलावा भी दोस्तों, आप कांच की एक बोतल में सरसों का तेल भर लें और उसे कांच के कंचे से ही बंद करके अपने ऊपर से उतार करके बहते हुए जल के नीचे आपको दबाना है। समुद्र एरिया हो तो बहुत आसानी से हो जाता है, कहीं पे तालाब हो, मिट्टी हो, वहाँ भी आप ये काम कर सकते हैं जहाँ पे लहरें आएं। दोस्तों, अगर राहु खराब है तो ऐसी स्थिति में रक्षाबंधन यानी पूर्णिमा का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। 11 नारियल लेना है पानी वाला और अपने ऊपर से उतार करके बहते हुए जल में बहा देना है। ये राहु की दशा आपकी ठीक करने के लिए है।
अगर आपका चंद्र खराब है तो दूध से चंद्र को अर्घ्य दे करके वहीं बैठ करके रात में ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का आपको यथाशक्ति जितना आप कर सके उतना आपको जप करना है और मंत्र पूरे होने के बाद हो सके तो दूध का दान करें। रात के वक्त कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको दिन में दूध का दान कर देना है। जिनको अगर काल सर्प का दोष है दोस्तों, वो पूर्णिमा के दिन, राखी पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सर्प पूजन करें और चांदी की डिब्बी में शहद भर करके किसी वीरानी जगह में गाड़ दें। दोस्तों अगर आपको चंद्र और राहु के दोष हैं, कुंडली दोष हैं, तो आप माता सरस्वती का मंत्र ओम ऐं सरस्वते नमः इस मंत्र का जप करें, यथाशक्ति जप करें, जितनी आप कर सके वो करें और स्फटिक की माला से आप सरस्वती का ये मंत्र जप करें, आपके सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा और नौकरी की बाधाएं ज़्यादा आ रही है तो आपको पूर्णिमा के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और गुड़ का नैवेद्य और गुलाब का पुष्प चढ़ाना है। ध्यान रखें ये उपाय हनुमान जी का आप शाम के वक्त करें। दोस्तों ऐसा कोई भी, लेकिन इस बार ध्यान रखना है अच्छा ग्रहण है तो शाम के वक्त नहीं होगा दोस्तों, तो आपको दोपहर को कर लेना है, 1:52 आफ्टरनून के बाद कोई पूजा नहीं होगी, ध्यान रखें। और भद्रा है तो जो भी राखी आदि बननी है वो 11 के बाद राखी बंधेगी। सावन का लास्ट सोमवार है इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, शिव जी की पूजा आपको दोपहर को 1:52 के पहले पहले पूरी कर लेनी है, उसके बाद आपके घर में जो भी मंदिर है, पट है भगवान के, वो सब में आपको पट बंद कर देने हैं, भगवान को सुला देना है। दोस्तों आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और ऐसा कोई पौधा जो किसी वट वृक्ष के नीचे लगा हो घर में आ करके गमले में लेके आए उसको और अपने गमले में लगा दें, इससे आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। अगर आपके घर में आपको लगता है नज़र दोष है, क्लेश ज़्यादा होते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब हैं, तो फिटकरी का एक टुकड़ा नज़र लगे हुए व्यक्ति के ऊपर से उतार करके चूल्हे में जला देना है। अगर पति पत्नी का भी क्लेश ज़्यादा होता है तो पति पत्नी दोनों के ऊपर से वो टुकड़ा आपको घुमाना है और फिर वो फिटकरी का टुकड़ा आपको चूल्हे में जला देना है, गैस पर जला देना है। अगर ना पॉसिबल हो तो किसी मिट्टी के बर्तन में घर के बाहर रख करके उस पर आप आग लगा के उसको जला दें, सभी प्रकार के दोष, नजर दोष या क्लेश दूर हो जाते हैं। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने आपसे पैसा लिया, आपने किसी को कर्जा दिया है और वो नहीं वापस दे रहा है तो सूखे कपूर से काजल बना लें जला करके और एक कागज पर उस पर्सन का नाम लिख दें और फिर भारी पत्थर के नीचे जाके उसको उस दिन दबाए आए पूर्णिमा के दिन, आप देखेंगे बहुत जल्दी ही वो आपके पैसे लौटाने लगेगा। दोस्तों यदि घर में आए दिन दुर्घटना होती है तो आपको पूर्णिमा के दिन, राखी पूर्णिमा के दिन स्पेशली काली माता का या महाकाली माता का एक मंत्र का आपको जप करना है, ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, 5 आपको करनी है 108 मंत्रों की। काली माता को भोग लगाना है हलवे का या कोई भी चने का, आप भोग लगाएं और माता रानी की आरती ज़रूर करें। शाम के बाद ये उपाय करें दोस्तों, शाम के बाद नहीं होगा सॉरी, आपको दोपहर को 1:52 के पहले ये उपाय कर लेना है। ये उपाय आप दूसरे किसी शनिवार को भी कर सकते हैं राखी पूर्णिमा को छोड़ के, और उस दिन अगर आप करें तो आप शाम के वक्त ये उपाय करें। दोस्तों अगर विवाह नहीं हो रहा है तो पुराना ताला जो खुला हुआ हो या खराब ना हो, चाबी अपने पास रख लें और उसको अपने सिर से उतार करके रात में चौराहे पर फेंक दें। ध्यान रखें राखी पूर्णिमा के दिन विवाह जिनका नहीं हो रहा है उनको ये उपाय करना है, पलट कर आपको नहीं देखना है। अगर किसी प्रकार की घर में बीमारी आदि रोग आदि दोष है तो रात के समय आपको पूर्णिमा की रात को थोड़ा सा हलवा पत्तल पर रखकर जो रोगी मनुष्य है उसके ऊपर से 11 उतार देना है और उसको चौराहे पे रख के आना है। रात में एक दिन पहले कोई भी सिक्का, यानी कि आपको शनिवार रविवार की रात को आपको एक सिक्का रोगी के सिरहाने में रखना है, आप चाहें तो उस सिक्के को सुबह शमशान में या किसी भी सुनसान जगह पे
फेंक दें। दोस्तों एक से एक मैंने आपको उपाय बताए हैं। रक्षाबंधन का पर्व है, भाई बहन का बहुत ही प्यार वाला पर्व है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बहनें अगर क्या उपाय करें तो भाइयों का जीवन हो जाएगा सफल। इसलिए बहनों आपके लिए बहुत स्पेशल टिप्स लेके आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। राखी पूर्णिमा, पूर्णिमा का दिन विशेषकर बहुत ही लाभकारी है। काफी सालों बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है, और इस महासंयोग में अगर आप ये टोटके कर लेते हैं दोस्तों, इस महासंयोग में आप ये छोटे से उपाय कर लेते हैं अपने भाई बहनों को टाइम से राखी बांधने और बंधवाने के साथ साथ, तो माना जाता है आपके जीवन के बहुत सारे क्लेश कटने के चांसेस रहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। और हाँ दोस्तों, अगर किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, एंड हैप्पी रक्षाबंधन।